हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है जी एलिया मरियम और इस वक्त मैं हूँ किचन में मैं बना रही थी दाल चावल तो सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर करते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कोई भी बना सकता है ठीक है ना और इतनी टेस्टी बनेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा अच्छा आप लोगों ने दाल वैसे ही मसालों के साथ बनानी है जैसे आप लोग नॉर्मली दाल खाना पसंद करते हैं क्योंकि अभी खानी तो आप लोगों ने ही है बाकी कंसिस्टेंसी जो होती है दाल की चावल के साथ में वो पतली रखनी है आप लोगों ने ठीक है तड़का मैं बता दूंगी जिससे चार चांद लग जाएंगे आपकी दाल को फिलहाल यहाँ पे मैं चावल के लिए तड़का बना रही हूँ नॉर्मली चावल बॉईल करके भी आप लोग खा सकते हो लेकिन इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसके अंदर मैंने लहसुन डाला था साथ में थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को भून लेंगे ना तो इतना मज़े का टेस्ट आएगा अब आप लोगों ने चावल के हिसाब से पानी जो है वो इसमें ऐड कर देना है और ना रिसेंटली मैंने चावल बनाए थे उसके अंदर मैंने पुदीना डाला था उसकी खुशबू इतनी मजे की थी तो मेरा दिल किया मैंने इसमें भी डाल दिया आप लोग ना डालना चाहो तो ना भी ऐड करो कोई मसला नहीं है हरी मिर्चें डाल लेनी है क्योंकि हम देसी लोगों को ना चावल के अंदर हरी मिर्चें बड़ी पसंद होती हैं अब जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो आप लोगों ने नमक डाल के उसको टेस्ट देख लेना है कि जैसे आप लोगों को नमक खाना पसंद है अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर इसमें आपने चावल डाल के मज़ेदार से आपके फिर चावल जो है वो तैयार हो जाएंगे नॉर्मल तरीके से आगे, आगे का प्रोसेस होता है वो आपको पता होगा अच्छा यहाँ पर तड़के के अंदर मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाले थे टमाटर मिर्ची और ये बटर मिर्ची भी डाली थी जिस जिस बर्तन के अंदर आप लोगों ने दाल सर्व करनी है ना तड़का उसके अंदर लगाया करें दिखने में इतना प्यारा लगेगा तो खाने में दादा मजा आएगा अब आपने चावल और दाल जो है ना वो अलग अलग सर्व करनी है ताकि जिसको जैसे मतलब खाना रेशियो जैसी पसंद है कम चावल कुछ लोग खाते हैं ज़्यादा डा दा, दाल डालते हैं कुछ लोग ज़्यादा दाल खाते हैं और उसके साथ में कम चावल होते हैं ठीक है जैसे जिसका पसंद होगी ना वो वैसे डाल लेगा बाकी जो है वो प्याज खाया करो गर्मी का मौसम है और किस किस के यहाँ जो है ना अम्मियाँ जो है वो प्याज सूंघने के लिए देती हैं क्योंकि गर्मी का असर उससे थोड़ा कम हो जाता है फिर खाना हमने खा लिया था हम लोग बाहर आ गए थे तो हमने अपनी बदखों को छोड़ दिया था पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारे तो जो वो गंदे हो गए थे खराब हो गए थे जिसमें से हमारे टमाटर के भी थे तो यहाँ पर पहले वो हो गए हुए थे तो हम बदखम को ज्यादा नहीं छोड़ते थे अब वो तो वैसे ही वो खराब हो गया तो हमने बदखम को छोड़ दिया कि लो आप लोग यहाँ पे घूमती रहो क्योंकि बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास उगा हुआ है तो वो खाती रहेंगी यहाँ ब्लॉग शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और नाश्ते में है छोले और चाय चाय तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और चाय जो है ना वो मैं साथ रख दूँ मुझे सेटिसफेक्शन हो जाती है चाहे मैं खाऊँ या ना खाऊँ वैसे मुझे ना एक दो निवाले जो है वो चाय के साथ में खाना बड़े पसंद है और फिलहाल जो है ना वो छोले जो है आजकल हमारे नाश्ते में चल रहे हैं और मैं ना अभी मज़े से ना छोले खा रही हूँ बोर में अभी नहीं हुई हूँ क्योंकि इतना मज़ा आता है ना छोले खाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ खैर ख़ुद मैंने नाश्ता कर लिया था बतखूं मैं को मैंने कहा चल के देखते हैं और मुझे नहीं पता कुछ खाया था पहले से इन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ खा रखा होगा क्योंकि सुबह सुबह इनको नाश्ता मिल जाता है हमसे भी पहले खैर उसके बाद जो नाश्ते की रोटी बच गई थी मैंने सोचा इनको डाल डाल देते हैं क्योंकि ये रोटी जो थी ना मैंने कहा सॉफ्ट है अभी सूख जाएगी तो फिर ये कैसे खाएंगे तो फिर मैंने बतखूं को रोटी डाल दी थी और ये जो सामने वाली बत्त जो खा रही है ना इसका हमने नाम रखा है लाउड स्पीकर क्योंकि ये लाउड स्पीकर है भाई आ, वीडियो में ये नहीं होती नहीं बोलती तो आप लोगों को पता नहीं है ये माँ इतना लाउड लाउड बोलती है और बेवजह चिल्लाती रहती है तो हमने इसका नाम मतलब मेरी नंद ने वैसे इसका नाम रखा है नामकरण उसने किया था तो इसका नाम है जी लाउड स्पीकर ये जी हमारा एक खूबसूरत सा दरख्त कचनार का इसके सारे पत्ते सूखे रहते थे और किसी ने मशवरा दिया था कि इसे रोज़ नहलाओ और नहलाने के बाद ये देखिए हरा भरा हो गया तो ये मशवरा जो है वो काम करता है वैसे मैं अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा गार्डन के बारे में शेयर करती रहती हूँ किसी वीडियो में ज़्यादा किसी में कम अगर आप लोगों को गार्डनिंग में इंटरेस्ट तो कमेंट्स से मुझे जरूर बताना ये जी भालू इसको, मैंने कल कुरिशा किया था और आज इसको मैंने फाइनल टचअप दे दिया कितना शूट नहीं किया था, कल तो बस मैं... ब्रेक हो गया था मुझे यार क्योंकि मेरा गार्डन इतना गंदा हो गया था ना और यहां पे फिर मैंने पानी पिया तो मैंने आपको भी रिमाइंडर दे, दे देती हूँ गर्मियां इतनी ज्यादा तो पानी खूब सारा पिया करो अपने साथ कोई पानी का बर्तन रखा करो ताकि खूब सारा पानी पीते रहो खैर यहाँ पे बैठ के फिर मैंने सोचा कि इसका जो सारा प्रोसेस है ना इसे बनाने का उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कितने स्टिचेस कब लेने हैं ये तो भाई वही बंदा समझ सकता है जो कुरेशा करता है और इतना सा काम करके मैं थक गई तो मैंने सोचा चावल के साथ में छोले खा लेती हूँ क्योंकि कल दाल खत्म हो गई थी और ये जी बहुत ज्यादा मज़े की स्वीट ये मेरे चाचू में चल आते हैं तो इसके अंदर ये होती है क्या कहते हैं इसको बूंदियाँ होती है और उसके साथ में नमकीन होती है मिक्स इतना मजे का लगता है ना कि क्या बताओ और जी मेरी स्किन का ऐसा हाल हो चुका है कि ना ये इतने सेंसिटिव हो गया मैं फिर साबुन नहीं लगा सकती मतलब मतलब मेरी स्किन ऐसी हो जाती है और ऐसी कंडीशन में फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई और अब मैं ये रोज़ लगाती हूँ क्योंकि साबुन तो मैं वैसे भी नहीं लगा पा रही और स्किन की कंडीशन ये है कि जब मैं मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ उसके बाद ये इतनी रेड रेड हो जाती है पहले तीन दिन तो ये ऐसे रेड हुई हुई थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ खैर अब जो है ना ये ज़्यादा इतना रिएक्शन नहीं देती है मुल्तानी मिट्टी से बाकी मुल्तानी मिट्टी से स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और यहाँ मैंने सोचा कि थोड़ा सा तैयार होते हैं तो मैंने अपनी ये वाले झुमके निकाले और मुझे याद है कि तो काफ़ी पुराने हैं लेकिन ये अभी तक वैसे के वैसे रखे हुए इतने प्यारे और दूसरी मजे की बात ये, ये है घूमती रही हूँ हालांकि दिखने में शायद आपको लग रहा हो कि ये कितने ज्यादा मतलब भारी भारी से झुमके होंगे ऐसा कुछ भी नहीं था बाकी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखनी है तो कमेंट्स में मुझे बताना है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी फिर यहाँ पे मेरी चल रही है स्ट्रगल मुझे ना नेक्स्ट अपनी क्रेशिया की वीडियो अपलोड करने से पहले उसकी क्लास प्रिपेयर करनी थी और उसी की तैयारी मैं कर रही थी और हवा जब होती है तो फिर वीडियो शूट नहीं होती है और जब वीडियो शूट करने लगो और हवा मतलब पंखे को बंद कर दो ना तो फिर वीडियो शूट करने के बाद आपकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और इसी चक्कर के बीच में मैं आजकल जो है रही हूँ और वो फिर मेरी वीडियो टाइम पर शूट नहीं हो पाती खैर इसी बीच में हमारा जो लंच था वो तैयार हो गया था और हम आज खा रहे हैं तंदूला किस किस के घर में तंदूला बनता है खैर तंदूला बड़ा मजे का बना हुआ था और इस टाइम तक मैं खूब इंजॉय करी थी अपना दिन क्योंकि काफ़ी स्मूथली जा रहा था और मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा मैं बहुत कुछ कर लूँगी फिर मेरे सर में शदीद दर्द हुआ मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी फिर मैं बाहर आई और मैंने पौधों को पानी दिया अभी तक मेरे सर में दर्द जो था वो वैसा का वैसा था बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था लेकिन फिर मैंने कहा चलो अभी उठते हैं थोड़ा सा पौधों को पानी देते हैं और शायद जो है ना वो एक्टिविटी करेंगे थोड़ी सी हिलेंगे चुलेंगे तो फिर ना शायद सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मुझे सर का दर्द रहता ही है तो फिर इसको इसको लेकर अगर मैं काम छोड़ दूँ ना तो फिर मतलब कोई कम फिर नहीं होगा क्योंकि क्योंकि मेरा सर का दर्द ऐसा ही है वो हमेशा ही रहता रहता है खैर मैंने पौधों को पानी दिया और सोचा कि चलो ये वाले पौधे जो हैं ये तो ना सूखें क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा पौधे जो हैं वो इतने गंदे हो गए हैं गर्मी की वजह से पिछले दिनों जो टेम्परेचर रहा है ना फोर्टी नाइन तक उस वजह से जो है वो आधे से ज्यादा पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए बहुत हालाँकि हम तो इनकी केयर कर भी रहते और अब मैं सोच रही थी कि इधर उधर लोगों का बंदूक का क्या हाल होगा यार इतनी शदीद गर्मी पड़ी है ना और शुक्र है कि आजकल में मौसम थोड़ा जो है वो ठीक हो गया है क्या यहाँ पे मैंने थोड़े से पौधों को नहलाया अच्छा यहाँ पे मेरी टेबल की इस वक्त हारा चेक कर लो आज क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा था मैं रिकॉर्ड कर लूँगी पहले मेरा एड्रेस आया था ऑनलाइन तो मैंने सोचा कि एक की वीडियो बना लेंगे फिर दूसरे की बनाएंगे अब दोनों जमा हो गए और यहाँ पे मेरा हैंड फ्री मेरा माइक पड़ा हुआ है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और खैर यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चाय पीते हैं शायद सर दर्द उससे ठीक हो जाए तो मैंने चिलड़ा बना लिया था साथ में चीला बोलते हैं इसको बेसन का बेसन की रोटी भी कुछ लोग कहते हैं वो भी और फिर मेरे रस भी आ गए थे कि रस खाने की मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ है ये इसकी वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी थी वाटरमेलन किचन की ये भी नहीं हुई मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त टेबल पर इकट्ठी हो चुकी हैं और इकट्ठी होने का मतलब है कि मेरे इतने सारे जो है वो काम भी पेंडिंग है और ये रहा जी इसको किचन बनाया था इसके अंदर किचन मैं बाद में डाल दूंगी और मेरी डायरी मेरी सारी चीज़ें जो पड़ी है पड़ी हुई हैं और इंतज़ार इस बात का कि चाय पीने के बाद शायद जो मेरा सर दर्द है वो ठीक हो जाए और उसके बाद मैं अपना जो एक दो काम है वो कर लूँ शूट तो ज़्यादा रात के टाइम पर मैं नहीं करती क्योंकि रात के टाइम पर मेरा कैमरा ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाता अच्छा लोग सोच रहे की चाय तो ठंडी हो जाएगी ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो मैं बहुत ज्यादा शदीद किस्म की गर्म चाय नहीं पीती हूं खैर रात तो काफ़ी हो गई थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है ना वो रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि हाजिरी लगती रहनी चाहिए तो बस वहीं हाजिरी लगने के चक्कर में मैंने बस एक से दो पेज पढ़े थे नॉर्मली भी मैं इतना ही पढ़ती हूँ तीन से चार कर लेती हूँ ज़्यादा इस बुक का मैं नहीं पढ़ती क्योंकि थोड़ी समझने वाली बुक है बाकी फिर मैंने सेवन अप मंगाई थी अच्छा सेवन अप की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं मुझे नहीं पता मेरा यह है कि ना सेवन अप के अंदर पानी डाल के मैं पी लूँ तो मेरा सर दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है वैसे मैं साथ में लेज लेती हूँ लेकिन आज मैंने लेज नहीं मंगाया था मैंने सोचा था कुछ नमक वाला मंगा लूंगी लेकिन ये कुरकुरे आए थे तो मैंने कुरकुरे भी नहीं खाए थे और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे हो जाता है लेकिन मेरा सर दर्द जो है ना वो उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी थी तो मैं भी पंखा देख रही थी मैंने कहा आप लोग भी पंखा देखो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया करो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना